सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। करवाने जा रहा हूं, अंचल अमीन का प्रक्रिया शुरू हो गया है और ये बहाली पहले होना था, लेकिन लोग कुछ लोग जो ही काम चलता है तो विभाग अपने आप ही लोग के द्वारा लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट के कारण डिले हुआ था, लेकिन सारा समस्या का निदान हो गया है। अंचल अमीन और अंचल कर्मचारी बहुत जल्द नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसके पीरियड में हमने मंत्री बनने के बाद अपने विभाग के प्रधान सचिव को आदेश भी दिया कि 31 दिसंबर तक जो भी बैकलॉगिंग है वो दाखिल खारिज संपन्न कर लेना है। और मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मुझे जानकारी भी मिल रही है, वो दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा है। तो रिजेक्ट करने वाले भी कर्मचारी और सीओ पर भी कार्रवाई होगी और ट्रांसफर करना इसका सोल्यूशन नहीं है। बात नहीं सुन रहे हो, आप ट्रांसफर करना सोल्यूशन नहीं है। मैं ट्रांसफर करना सोल्यूशन, कोई बात आई नहीं सुनते, पीछे बोलना शुरू कर देते हैं।